नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इसमें चार है, इसमें 105 है। इनफाइनाइट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, अनकाउंटेबल, इसलिए इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब है सेट में दे रखे हैं 2, 5, 7, देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, क्लियर। ये यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, इसका कार्डिनल नंबर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, तो हमें नहीं पता है कहाँ से आ सकता है। सिर्फ फाइनाइट सेट में ही कार्डिनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड नंबर इज नल सेट, इट इज रिप्रेजेंट बाय पाई सिंबल। इफ देयर इज नो एलिमेंट, इफ देयर इज नो एलिमेंट इन ए सेट, इन ए सेट, देन इट इज कॉल्ड नल सेट, नल, एम्प्टी और वॉइड सेट, ये तीनों नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले ना, क्वेश्चन नंबर 1, x between 2 to 3, x belongs to natural number, let a is equal to x, x belongs to natural number and x between 2 to 3। दो से 3 के बीच में कितने natural number होते हैं, कुछ भी नहीं होता, इसीलिए ये क्या हो गया, null set, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नल सेट ऑफ नॉट, प्राइम नंबर बिटवीन 15 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 1 में इसको फर्स्ट पार्ट आ गया, प्राइम नंबर बिटवीन 15 टू 19, 15 टू 19 के बीच में नंबर होते हैं 16, 17, 18, तीन नंबर होते हैं, इसमें 17 प्राइम नंबर होता है, तो दिस इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट दे रखा है हमें, x less than 5 and greater than 6, तो x less than 5 करते हैं, यहाँ पे x equal to 5 लिया है और यहाँ पे x equal to 6 लिया है, less than 5 का मतलब ये और greater than 6 का मतलब ये, and का मतलब है common area आना चाहिए, ये तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी मिलेंगे नहीं, इसका मतलब ये क्या है, null set है, ये null set है। Next type of set is singleton set, singleton set का मतलब होता है, सिंगलटन सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 1, कितना 1, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। दिस इज एज ए एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1, 7 इज वन एलिमेंट सो दिस इज सिंगलटन सेट, -15 इज ऑल्सो द सिंगलटन सेट। आप क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, x + 4 = 0, x = -4, ओके, -4, बट -4 यहाँ पे गिवन है, x belongs to natural number, तो natural number है क्या -4, नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 5, एक भी एलिमेंट नहीं है, null set है, कौन सा set है ये, null set, not singleton, सिंगलटन सेट नहीं है, सिंगलटन में एक एलिमेंट होना चाहिए, एक भी नहीं है, इसलिए कौन सा सेट हुआ, नल सेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, प्राइम नंबर, तो काउंटिंग नेचुरल नंबर होते हैं ना, उसके पार्ट है ये सब,
ठीक है, थ्री से लेस और कौन से नंबर होंगे, वन और टू, इसमें प्राइम नंबर कौन सा होता है, टू। हाँ, ये अकेला एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सिंगलटन सेट है, इसका मतलब ये क्या है, सिंगलटन सेट है। फिर इसका अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में दे रखा है मोड एक्स इज इक्वल टू सेवन, यहाँ पे x की वैल्यू मैं 7 रखूं तब भी 7 आंसर आएगा, और माइनस 7 रखूं तब भी सेम 7 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि x मैं नेचुरल नंबर ही ले सकता हूं, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता, तो x की वैल्यू ओनली क्या आई, 7, सिंगल वैल्यू आई, फिर वापस ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर भेजा, इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1। अब आप बताओ, यहाँ पे दे रखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x कौन से टाइप का नंबर है, नेचुरल नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इसमें माइनस 1 कभी आता है, आता ही नहीं है, 5, फिर वापस नल सेट आएगा, नॉट ए सिंगल सिंगलटन सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट in two set equal, then it is called equivalence sets. Okay, then it is called equivalence set. अगर दो set के number of element equal है, लेकिन इसमें दो चीजें आती है, बता कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट सेट गिवन है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अगर फाइनाइट सेट गिवन है तो। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये फाइनाइट का है, ए दे रखा है ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज 3, तो एन ए इज इक्वल टू एन बी, इक्विवेलेंस सेट है, ठीक है, ये इक्विवेलेंस सेट है। आप ध्यान से देखो, इनफाइनाइट सेट भी इक्विवेलेंस हो सकता है, जैसे पहला सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, आप ये देखो कंटिन्यू आ रहे कि नहीं आ रहे, तो ये भी क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस सेट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये इक्विवेलेंस सेट कहलाएंगे, ये आगे समझ में बात, इक्विवेलेंस सेट कहलाएंगे। इक्वल सेट्स का मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी, ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी एंड वाइसा वर्सा, इसका मतलब ए के एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के एलिमेंट ए में होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसे डेफिनेशन की बात करूं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, इफ वाई बिलोंग्स टू बी, देन y is also belongs to a, अगर a का एलिमेंट आ रहा है तो b का आना चाहिए, b का आ रहा है तो a का आना चाहिए, क्लियर है कि नहीं है।
क्वेश्चन नंबर वन 2, 3, 5, 6 ए इज इक्वल टू 2, 3, 5, 6 एंड बी इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 ए इक्वल टू बी है या नहीं है? 2 है 3, 3, 5, 5, 6, 6 लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया, इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों? 4 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 एलिमेंट ए का नहीं है, बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए ये क्या है? नॉट इक्वल। सेकंड है एक्स नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 10 और 11 के बीच में नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 9, 10, 10 के बाद 11 नहीं आता, इसके बीच में तो कुछ भी नहीं है, मतलब ए तो हो गया 5 और बी दे रखा है यहाँ पे 10.5, ये तो वैल्यू है 10.5, 5 कुछ भी नहीं है, तो अगेन नॉट इक्वल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? ए दे रखा है 2, 3, 4, ठीक है, ए दे रखा है 2, 3, 4 और बी दे रखा है 2, 3, 4, 4, 4 लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि मैंने फर्स्ट ही सिखाया था कि बेटा जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता, एक ही बार लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 1, 4, 5 और 4, 5, 1 ए इक्वल टू बी है कि नहीं है? क्यों? 4, 1, 5 ऑर्डर चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 को पहले लिख दो बाद में लिख दो, 1 पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स में इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक सबसेट्स। सबसेट्स इज सिंबल वी आर यूजिंग लाइक दिस, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या मतलब हुआ? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, वाइस वर्सा की जरूरत नहीं है, इक्वल में होता है ना, ए का बी में बी के में नहीं, वाइस वर्सा की जरूरत नहीं है, एक ही साइड होना चाहिए यहां से यहां, एक को बोलेंगे सबसेट एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। ए को बोलेंगे सबसेट और बी को बोलेंगे सुपरसेट। ओके, ए इज ए सबसेट एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। ठीक है, ए इज ए सबसेट एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। अब ध्यान से सुनना आप लोग, इसमें एक वर्ड आता है वो है प्रॉपर सबसेट। इट्स एक्सेप्ट इटसेल्फ ऑफ गिवन सेट, एक्सेप्ट इटसेल्फ ऑफ गिवन सेट, All are proper subset। क्या मतलब? जो ये equal वाला होता है इसको हटा दे हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ ये बचता है A is a subset of B। Every element इसका इसमें exist करना चाहिए। ठीक है, set A का element सारे के सारे B में होने चाहिए। Clear है कि नहीं है? अब set इसके बराबर नहीं होना चाहिए तब वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वल टू का सिंबल है नॉट इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल। ठीक है, बराबर नहीं आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बनाएंगे कैसे सबसेट वो अभी बताऊंगा, अभी आप सबसेट का मतलब समझो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी बस सफिशियंट है। पहले वाले को सबसेट बोलते हैं और जिसके अंदर होता है, ठीक है, जिसके अंदर होता है उसको सुपरसेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहले वाला दूसरे के अंदर है या नहीं है। ठीक है, कब तो वो सबसेट है और कब वो प्रॉपर सबसेट है। देखो, पहला
पहला दे रखा है सेट ए दे रखा है 367 और दूसरा दे रखा है 2378 367 इक्वल का तो सवाल ही नहीं उठता 2 3 7 8 10 थ्री है क्या इसमें थ्री है सिक्स नहीं है इसका मतलब नॉट सबसेट ठीक है सेकेंड वाला पार्ट दे रखा है A11 तो जब कोई भी एलिमेंट रिपीट होता है ना वो एक ही बार लिखा जाता है नन को मापाई बी 1 3 5 तो 1 इसके अंदर है 5 इसके अंदर है इसका मतलब ये होगा A इज ए सबसेट ऑफ B क्लियर है नहीं है तीसरा x सेट एक की बात करूं तो वो है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो ठीक है इसका मतलब क्या है x स्क्वायर प्लस 7x 7 3 21 इक्वल टू जीरो तो x प्लस 7 एंड x माइनस 3 इज फैक्टर x की वैल्यू निकाली वो आ रही है 3, -7 लेकिन एक मेंशन किया हुआ है कि जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो सिर्फ आप 3 ले सकते हो तो अब देखो 3 इज ए सबसेट ऑफ b है या नहीं है a इज ए सबसेट ऑफ b अगर -7 आ जाता तब भी सबसेट छोड़ देता बस यहां पे ये सिंबल और लगा देते ठीक है आ गया समझ में फोर्थ पार्ट दे रखा है फोर्थ पार्ट में इधर सॉल्व कर देता हूं क्या है x स्क्वायर x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इक्वल टू 0 ये कभी भी जीरो नहीं होगा ये वाला पार्ट क्यों क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू देगा d लेस देन 0 होता है ठीक है सिर्फ एक वैल्यू आ रही है x माइनस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 सेट a की वैल्यू आ गई 1 सेट b की वैल्यू निकाली तो b की वैल्यू निकाल रहे हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस x और माइनस 3x इसके फैक्टर हो रहे हैं शायद माइनस 1 और माइनस 3 ठीक है x की वैल्यू निकाली 1, 3 तो ध्यान से देखो सेट a 1 है और सेट b क्या है 1, 3 तो यहां लिख सकते हैं a इज ए सबसेट ऑफ b क्लियर है कि नहीं है a इज ए सबसेट ऑफ b एग्री